You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed. Don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Yeah, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Hey Rooks Army, it's your boy Ajay Rooks is here और एक और gameplay video में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारा पहला gameplay होने वाला है version 12.4 का और इस update में काफी नई नई चीजें आई है जो कि आप लोगों ने तो experience कर ही ली होगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गन उठाई और यहाँ पर आया एक और बंदा। जिसे मैंने इजिली नॉक किया, नॉक करने के बाद उसे फिनिश किया। अब यहाँ पर से थोड़ी मैंने आइटम्स उठाए और बगल वाले घर से मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर तो और बंदे होने चाहिए। तो धीरे धीरे मैं गेट के अंदर एंटर गया और एक बंदा मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। उसने नॉक किया और मेरे को पता था कि मेरे पीछे से भी फायर हुआ था, तो मैंने गेट की तरफ ही जानबूझ के यहाँ ये ग्रेनेड फेंका जैसे कि थोड़ा आग वाग लग जाए और सामने वाला बंदा मुझ पर पुश ना कर पाए। अब देखो वो रहा वो बंदा, तो उसे भी मैंने आराम से मार दिया और खिड़की से एक डकी मुझे मार रहा था। फाइनली डकी वाले भैया को भी मैंने आराम से नो कर दिया। नो करने के बाद मैंने उसे फिनिश कर दिया। और गाइस ये एम4 की शील्ड क्या ही मस्त है, ये वाला जो मेरे को वर्जन है वो काफ़ी पसंद आया है। और बैटल पास बताऊँ आप सभी को कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन मेरी औकात नहीं थी उसे बाय करने की, तो मैंने तो नहीं किया। और आप लोग बताओ कि आप लोगों में से किन किन ने बैटल पास परचेज किया। अब देखो यहाँ पर मैं आ गया धीरे धीरे और ये देखो बीच वाला ये जो टावर है इसके बगल से एक बंदा भाग रहा था जिसे मैंने स्पॉट कर लिया था और उस भाई को मैंने आराम से नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैंने उसे फिनिश किया। अब मैं देख रहा यहाँ पर स्कैनर गन का यूज़ करके कि कोई बंदा है कि नहीं, तो मुझे यहाँ तो कोई भी बंदा नहीं दिख रहा लेकिन मुझे सामने की तरफ बंदे बंदे दिखाई दिए। अभी यार यहाँ पर अच्छे खासे सारे बंदे नॉक पड़े हुए थे, मतलब कि यहाँ पर दो तीन तो बंदे ऑलरेडी नॉक थे और दो बंदे को मैंने नॉक कर दिया और एक बंदे को मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। देखते देखते मैंने इन्हें भी फिनिश कर दिया जो कि नॉक पड़े हुए थे। इन्हें फिनिश करने के बाद मैंने थोड़ा लूटा और मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन 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 मैं गलत था। अभी सिटी प्लाजा में और भी बंदे थे जो कि बिल्कुल भी हलचल ही नहीं कर रहे थे। अभी बताऊंगा, एक बंदा ये देखो मेरे क्लोज आ गया। तो इस भाई को नॉक किया, नॉक करने के बाद फिनिश किया और मुझे सामने की तरफ से हलचल आ रही थी हल्की हल्की फुटस्टेप्स, तो यहाँ पर मैंने जंपर का यूज़ किया, ऊपर आया और यहाँ पर मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बंदे हैं। अब यहाँ पर हो रही थी फायरिंग, तो मैं समझ गया एक बंदा किसी और बंदे पे फायर कर रहा है और यहाँ पर मैं तीसरा बंदा था, तो एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ और वो भाई आराम से मतलब डायरेक्ट फिनिश हो गया। और बारी थी दूसरे वाले बंदे की, अब देखो उससे मेरे फाइट होने वाली है।
अब देखो जैसे उसने कार चलाया मुझे याद आया कि कार वहाँ पकड़ी थी, तो मैं ऊपर आया और डायरेक्ट मैंने उसका पहले सबसे पहले टायर फोड़ा और यहाँ पर मैंने देखो हाई ग्राउंड के लिए ऊपर आया वापस है। तभी वो बंदा भी यहाँ पर आया ऊपर की साइड। यहाँ से मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, वो बंदे भागने की कोशिश करने लगा और उसने देखो ये डोम भी बना लिया भागने के लिए और फाइनली उस भाई को भी आराम से मार दिया। मतलब अच्छी खासी कोशिश कर रहा था भागने की। तभी यहाँ पर एक और मुझे फुटस्टेप आई, एक बंदा यहाँ से आ रहा था गेट से, मैंने प्रिपेयर किया और तुम कह सकते हो कि ये सबसे बेस्ट वाला फ्री फायर था। वो बंदा फ्री फायर के अंदर आकर ही टपक गया। तो गाइस इसी के साथ ही आज का हमारा लाइक एम है 150 का। होप कि आप लोग 150 का हमारा जो लाइक एम है वो पूरा कराएंगे। अब देखो मैं ये जो क्रिएट्स है इसके पास आया और मुझे यहाँ पर तोप चलने की आवाज़ आई और एक बंदा मुझे गाड़ी लेकर भाग रहा था, तो वो भी मुझे स्पॉट हो गया था। और देखो सामने की तरफ मुझे एक क्राफ्ट दिखाई दी, मैंने हल्का सा यहाँ पर 30 का डैमेज दिया और नीचे मेरे एक गाड़ी पड़ी थी उसे उठाया और एक बार मैंने सोचा कि एक बार राउंड लगाते हैं इस कार से, तो मैंने एक बार राउंड लगाया और देखो वो बंदे रोड साइड थे दूसरी तरफ, तो मैं सीधा उधर ही लेके गया गाड़ी को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर आया और एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ, अब देखो ये बंदा भागने की कोशिश करने लगा, इसने वार स्पाइडर मंगा ली। ओके इस बताने की जरूरत है नहीं फ्लेम कार कितनी ओपी हो रखी है, मतलब इससे फायर कर दो तुम अगले वाला बंदा भाग ही नहीं सकता मतलब। तो मैंने अभी उस बाइक को आराम से टपका दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर होवर बाइक भाग रही थी तो मैंने उसका पीछा किया और उसे देखो कैसे मारा। और ये भाई भी यहाँ पर इसकी समाधि बन चुकी है, तो इसे बाहर के बाद मैं वापस से सिटी प्लाजा की तरफ आया और एक क्रेबी मुझे यहाँ पर दिखाई दी। तो इस भाई को भी मैंने आराम से मार दिया, मतलब फ्लेम कार से मारने के मजा ही बहुत अलग है। और यहाँ पर आया मैं और देखो यहाँ पर मुझे एक मॉन्स्टर दिखाई दी जो कि मैं देख रहा है कहाँ से फायर कर रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा था। फाइनली मेरे पीछे से ही मुझे पता चला कि वो मेरे पीछे ही है, तो उसे मारने लगा मैं। और अब देखो यहाँ पर उसने ये गाड़ी रोक दी। अब इस भाई ने गाड़ी तो ठोकी लेकिन मेरे को 2-3 प्लेटें खुआ दिया इसने और ये पत्थर के पीछे झुक गया। तभी एक और यहाँ पर गाड़ी आई, और देखते ही देखते एक और फ्लेम कार आ गई। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूज कि ये इन्हीं की टीम के बंदे हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये इन्हीं की टीम के बंदे नहीं है, ये कोई और टीम के बंदे हैं। तो देखो फ्लेम कार वाले बंदे को मैंने अचानक 1000 डैमेज दे दिया था, मैं नहीं चाहता था कि वो बच जाए, मैंने उसका पीछा किया। और देखो आप देख रहे हो कि एक और क्राफ्ट वाली गाड़ी जो अभी अभी दिखाई दी थी सामने की तरफ, तो ये फ्लेम कार वाले बंदे को मैंने ईजिली टपका दिया। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और यहाँ पर होवर कार वाला बंदा भी आया, और वो भी टपक गया। तभी यहाँ पर एक और कार आई देखो, और ये भाई ने देखो यहाँ पर तोप बना ली गाड़ी को और इस भाई को भी आराम से मार दिया। इसे मारने के बाद थोड़ा सा मैंने लूटा और मेरे को देखो यहाँ पर थोड़े जेट पैक के आइटम्स मिल गए थे, तो सही है मेरे को वो आइटम भी चाहिए थे। अब देखो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि और बंदे को स्पॉट किया जाए, तो पहले तो मैंने सोचा कि ये वाली गाड़ी लेके जाऊँ मोबाइल टूरिट, तो इसके बाद मैंने देखा कि फ्लेम कार से मैं जल्दी स्पीड में जाऊँगा। और यहाँ पर ढूंढते ढूंढाते मेरे को यहाँ पर दो बंदे आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए, तो वाले बंदे को मैंने फ्लेम से ही मारा और कोई और बंदा भी मुझ पर शूट कर रहा था। वो देखो ये होवर कार वाला बंदा, अब देखो इसे कैसे मारते हैं। ये बंदा समझ गया था कि ये फ्लेम है जो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, तो ये जानता था मैं इसे मार सकता हूँ, फ्लेम कार है मेरे पास, तो ये भागने लगा।
गाइस ये आखिरी बंदा था, अब देखो इसे कैसे मारते हैं। अब देखो मैंने स्कैनर गन चलाई, अब मुझे पता था वो बंदा सीढ़ियों की तरफ से ही आएगा, और देखो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था वो यहीं से आएगा। अब देखो ओ गाइस इसके साथ ही इजीली विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। और इसके साथ ही गाइस आज का हमारा लाइक कैम 150 का है, आप लोग करा दोगे। और अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना।